हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीप सी ऑफ विजडम में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ए टू जेड कंप्यूटर का पार्ट टू। पार्ट वन पहले अपलोड कर दिया है, उसमें कंप्यूटर की शब्दावली के बारे में बताया गया है। ये पार्ट टू है, इसमें पूरा कंप्यूटर का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे हिंदी में कहूँ तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में। सबसे पहला टॉपिक हमें दिया गया है कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है, चलिए समझते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग कई कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने की तकनीक है। कंप्यूटर नेटवर्किंग से सभी कंप्यूटरों की क्षमता का सामूहिक उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग कई कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने की तकनीक है। कई कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने की तकनीक है कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग से सभी कंप्यूटरों की क्षमता का सामूहिक उपयोग किया जाता है। नेटवर्किंग अर्थात संयोजन दो प्रकार से की जाती है। पहला है लोकल एरिया नेटवर्किंग यानी LAN तथा वाइड एरिया नेटवर्किंग यानी WAN। नेटवर्किंग कितने दो प्रकार से की जाती है, पहली लोकल एरिया नेटवर्किंग तथा वाइड एरिया नेटवर्किंग। अब LAN क्या होता है, इसका पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क है। यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसका प्रयोग दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किया जाता है। LAN अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसका प्रयोग दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, LAN का। लोकल एरिया नेटवर्क स्थानीय स्तर पर काम करने वाला नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात LAN स्थानीय स्तर पर काम करने वाला नेटवर्क है। क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क स्थानीय स्तर पर काम करने वाला नेटवर्क है, इसे संक्षेप में LAN कहा जाता है। यह एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो स्थानीय इलाकों जैसे घर, कार्यालय या भवन समूहों को कवर करता है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे LAN क्या होता है। ये सिर्फ जैसे अपन ने घर में यूज़ कर लिया दो तीन कंप्यूटर को आपस में जोड़ के, या ऑफिस वगैरह में कर लिया, इसी के काम आता है LAN अर्थात LAN लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी विशेषताएं समझते हैं। यह एक कमरे या एक बिल्डिंग तक सीमित रहता है। इसके डाटा हस्तांतरित यानी डाटा ट्रांसफर स्पीड अधिक होती है। किसकी, LAN की। इसमें बाहरी नेटवर्क को किराए पर नहीं लेना पड़ता है। इसमें डाटा सुरक्षित रहता है। इसमें डाटा को व्यवस्थित करना आसान होता है। अब हम बात करेंगे MAN की। इसका पूरा नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह एक ऐसा उच्च गति वाला नेटवर्क है जो आवाज, डाटा और यह LAN से बड़ा तथा WAN से छोटा नेटवर्क है। MAN क्या होता है, यह LAN से बड़ा होता है तथा WAN से छोटा होता है। इस नेटवर्क के द्वारा एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ा जाता है। अब LAN क्या करता था, या तो एक बिल्डिंग में काम करेगा, ऑफिस में, घर में, लेकिन MAN इससे बड़ा है, यहाँ शहरों को आपस में जोड़ सकता है। एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ा जा सकता है इससे। और यह किससे, WAN से छोटा होता है, WAN से, और LAN से बड़ा होता है। इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क एक साथ जुड़े होते हैं। MAN में क्या होता है,
इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क एक साथ जुड़े होते हैं, जो अपने LAN है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, वो दो या दो से अधिक एक साथ जुड़े होते हैं WAN के अंतर्गत। यह एक शहर के सीमाओं के भीतर का स्थित कंप्यूटर नेटवर्क होता है। राउटर, स्विच और हब्स मिलकर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का निर्माण करता है। अब WAN की विशेषताएं समझते हैं। इसका रखरखाव कठिन होता है, इसकी गति उच्च होती है, इसकी स्पीड अच्छी होती है। अब बात करते हैं हम WAN की, WAN। इसका पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा नेटवर्क होता है। यह नेटवर्क ना केवल एक बिल्डिंग, ना केवल एक शहर तक सीमित रहता है, बल्कि यह पूरे विश्व को जोड़ने का कार्य करता है। कौन? वाइड एरिया नेटवर्क पूरे विश्व को जोड़ने का कार्य करता है, अर्थात यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। इसमें डाटा को सुरक्षित भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। इस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लिस्ट लाइन या स्विच सर्किट के द्वारा जुड़े रहते हैं। इस नेटवर्क में क्या होता है, कंप्यूटर आपस में लिस्ट लाइन या स्विच सर्किट के द्वारा जुड़े रहते हैं। इंटरनेट इसका एक अच्छा उदाहरण है। बैंकों का ATM सुविधा वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। क्या क्या? ATM एक तो, और एक इंटरनेट जो हम सभी लोग यूज़ कर रहे हैं। इसकी विशेषताएं हैं, यह तार रहित नेटवर्क होता है, यह वायरलेस होता है। वाइड एरिया नेटवर्क इसमें डाटा को संकेतों यानी सिग्नल्स का या उपग्रह यानी सैटेलाइट के द्वारा भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। इसके द्वारा हम पूरी दुनिया में डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसके द्वारा? वाइड एरिया नेटवर्क के द्वारा। अब हम समझेंगे इंटरनेट को। इंटरनेट सूचना तकनीक यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आधुनिक प्रणाली है। इंटरनेट जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आधुनिक प्रणाली है। इंटरनेट को विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों का एक विश्व स्तरीय समूह या नेटवर्क कह सकते हैं। ध्यान से समझिएगा आप लोग, जो समझ में नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर बता दीजिएगा। इंटरनेट निम्न प्रकार से सूचना प्रणाली में सहायक है, जिसे सूचना प्रदान करना को भी कंपनी, संस्था, उत्पाद, प्रकाशन या अनुसंधान आदि जानकारी इंटरनेट द्वारा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सूचना देना यानी इंटरनेट विज्ञापन एक माध्यम है। बहुत सी कंपनी, संस्था अपने विज्ञापन की जानकारी इंटरनेट के द्वारा देते हैं। अब इंटरनेट का इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है? मूलतः इंटरनेट का प्रयोग अमेरिका की सेना के लिए किया गया था। जो मेन था इंटरनेट का, उसका प्रयोग अमेरिका की सेना के लिए किया गया था। कब? 1969 में, अर्थात 1969 में अर्पानेट नाम का एक नेटवर्क बनाया गया, जो चार कंप्यूटरों को जोड़कर बनाया गया था। 1969 में अर्पानेट नाम का एक नेटवर्क बनाया गया जो चार कंप्यूटर को जोड़कर बनाया गया था। फ्रेंड्स, बहुत मेहनत से आपके लिए नोट्स बनाए गए हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, धीरे धीरे सब चीज़ें समझ आने लगेगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिएगा। अब हम समझेंगे इसके आगे की कहानी 1969 के। 1972 तक इसमें जुड़ने वाले कंप्यूटरों की संख्या कितनी हो गई? 37 हो गई। शुरुआत में 1969 में कितने थे? चार कंप्यूटर जोड़े थे। अब 1972 तक इसमें जुड़ने वाले कंप्यूटर की संख्या कितनी हो गई? 37 हो गई थी। 1973 तक इसका विस्तार इंग्लैंड और नॉर्वे तक हो गया था।
1974 में अर्पानेट को सामान्य लोगों के लिए प्रयोग में लाया गया, जिसे टेलनेट के नाम से जाना गया। कब? 1974 में अर्पानेट को सामान्य लोगों के लिए प्रयोग में लाया गया, जिसे टेलनेट के नाम से जाना गया। 1982 में नेटवर्क के लिए सामान्य नियम बनाए गए, इन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। 1982 में नेटवर्क के लिए सामान्य नियम बनाए गए, इन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। इन प्रोटोकॉल को TCP या IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जाना गया। 1982 में नेटवर्क के लिए कुछ सामान्य नियम बनाए गए, इन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। इन प्रोटोकॉल को TCP या IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जाना गया। अब आते हैं आगे। 1990 यानी 1990 में अर्पानेट को समाप्त कर दिया गया। कब? 1990 में से समाप्त कर दिया गया तथा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क के रूप में इंटरनेट बना रहा। 1990 में अर्पानेट को समाप्त कर दिया गया तथा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क के रूप में इंटरनेट बना रहा। शुरुआत कब से हुई थी 1990 की? में तो खत्म हुआ अर्पानेट, शुरुआत हुई थी 1969 में अर्पानेट नाम का एक नेटवर्क बनाया गया था। अब इसे 1990 यानी 1990 में समाप्त कर दिया गया, पर इंटरनेट बना रखा। अब इंटरनेट का मालिक कौन है? फ्रेंड्स, इंटरनेट किसी सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है, यहाँ एक अति विशाल स्वतंत्र सहकारिता है। हालांकि कोई एक व्यक्ति, कंपनी, संस्था अथवा सरकारी एजेंसी इसका मालिकाना हक नहीं रखती है और ना ही इसे नियंत्रित करती है, लेकिन कुछ एजेंसी सलाह देकर, मानक निर्धारित कर और अन्य मुद्दों पर जानकारी देकर इसकी सफलता में सहभागी बनी हुई है। इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों के लिए मानक और गाइडलाइंस तय करने और रिसर्च करने वाला समूह वर्ल्ड वाइड कंसोरिडम W3C कहलाता है। सर्वर किसे कहते हैं? वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क के स्रोतों जैसे प्रोग्राम और डाटा को व्यवस्थित करता है और एक केंद्रीय स्टोरेज एरिया उपलब्ध करता है, सर्वर कहलाता है। वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क के स्रोतों जैसे प्रोग्राम और डाटा को व्यवस्थित करना और एक केंद्रीय स्टोरेज एरिया उपलब्ध करता है, वह सर्वर कहलाता है। वह कंप्यूटर जो एक स्टोरेज एरिया तथा एक्सेस कर प्रोग्राम या डाटा लेना चाहता है, क्लाइंट कहलाता है। इंटरनेट पर एक क्लाइंट को जो कई सारे सर्वरों की फाइलों और प्रोग्रामों तक एक्सेस कर सकता है, होस्ट कंप्यूटर कहलाता है। आपका कंप्यूटर होस्ट कंप्यूटर ही है। इंटरनेट की अंदरूनी संरचना में एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बताया गया है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ट्रैफिक का ज़्यादातर लोड हाईवे वाहन करते हैं जो बड़े शहरों को जोड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार इंटरनेट में कुछ मुख्य कम्युनिकेशन लाइनें होती हैं जो ट्रैफिक का अधिकतम भार वहन करती है।
इन कम्युनिकेशन लाइनों को संयुक्त रूप से इंटरनेट इंटरनेट बैकबोन कहते हैं। इंटरनेट एक पैकेट आधारित नेटवर्क है। इसका मतलब है कि जो डाटा आप ट्रांसफ़र करते हैं वह पैकेट में बट जाता है। इंटरनेट एक पैकेट आधारित नेटवर्क है। इसका मतलब है कि जो डाटा आप ट्रांसफ़र करते हैं भेजते हैं वह पैकेट में बट जाता है। नेटवर्क नेटवर्क विशेष कंप्यूटर से जुड़े होते हैं जिनको राउटर कहते हैं। नेटवर्क विशेष कंप्यूटरों से जुड़े होते हैं जिनको क्या कहते हैं, राउटर कहते हैं। ये सभी चीज़ें कर लीजिए। नेक्स्ट, एक राउटर पहले यह चेक करता है कि आपके पैकेट यानी डेटा को कहाँ जाना है, फिर वह यह तय करता है कि किस दिशा में भेजा जाए। एक राउटर पहले यह चेक करता है कि आपको डेटा को कहाँ जाना है, फिर वह तय करता है कि किस दिशा में से भेजा जाए। यह संभव नहीं है कि प्रत्येक राउटर अन्य दूसरे राउटर से जुड़ा हो, वे सिर्फ आपके डेटा को दिशा तय करते हैं। राउटर को यह बताने के लिए कि डेटा को कहाँ जाना है एक तरह का एड्रेस होता है जो आईपी कहलाता है। आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ ट्रांसफ़र होने वाला डाटा पैकेट में बटा होता है। यह एक अन्य प्रोटोकॉल डाटा हैंडल किया जाता है जिसे TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहा जाता है। बाद में यह खोजा गया कि आईपी एड्रेस जो वास्तव में सिर्फ नंबर होते हैं कंप्यूटर तो आसानी से हैंडल कर सकता है, लेकिन मनुष्य होने के नाते हमारे लिए यह संभव नहीं होता है। इससे निपटने के लिए 1984 में डोमेन नाम अस्तित्व में आया। डोमेन नेम इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के अकाउंट लोकेशन होते हैं। अब है इंटरनेट एड्रेस क्या होता है, यानी टॉप लेवल डोमेन। पोस्टल सिस्टम की तरह ही इंटरनेट में भी डाटा को किसी खास जगह भेजने के लिए एड्रेसिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड की मदद से नेटवर्क में एक कंप्यूटर द्वारा दूसरे कंप्यूटर को पहचानने और उससे कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक यूनिट एड्रेस है। आईपी एड्रेस नंबरों के 4 समूहों में होता है। ये समूह आपस में एक दूसरे से एक डॉट द्वारा अलग रहते हैं। नंबर 0 से लेकर 255 तक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 192.169.1.1 यह एक आईपी एड्रेस है। आमतौर पर आईपी एड्रेस का पहला हिस्सा नेटवर्क को पहचानता है जबकि आखिरी कंप्यूटर विशेष को। फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट है कि आईपी एड्रेस नंबरों के 4 समूहों में होता है। आईपी एड्रेस जो है नंबरों के 4 समूहों में होता है, 4 भागों में होता है। यह समूह आपस में एक दूसरे से डॉट द्वारा अलग रहते हैं और इसमें नंबर 0 से लेकर 255 तक हो सकते हैं। ये सभी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब हम समझेंगे URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म क्या होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जो किसी वेबसाइट या वेबसाइट के पेज को रिप्रेजेंट करता है या आपको किसी वेब पेज तक ले जाता है। URL इंटरनेट में किसी भी फाइल या वेबसाइट का एड्रेस होता है। URL की शुरुआत टीम बर्नर्स-ली ने 1994 में की थी। किसकी, URL की। इनके फुल फॉर्म भी आप सब याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है URL के 3 हिस्से होते हैं। पहला HTTP यानी पहला भाग होता है HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जिसकी मदद से इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफ़र होता है। डोमेन नेम दूसरा भाग होता है डोमेन नेम, जो कि किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का पता एड्रेस होता है। .com यह है डोमेन एक्सटेंशन होता है जो यह दर्शाता है कि वेबसाइट किस प्रकार की है,
.com यह डोमेन एक्सटेंशन होता है जो यह दर्शाता है कि वेबसाइट किस प्रकार की है। URL कैसे काम करता है, अब इनके भाग तो हमने समझ लिए, अब काम कैसे करता है। इंटरनेट पर हर वेबसाइट का एक IP एड्रेस होता है जो न्यूमेरिकल होता है, जैसे www.google.com का IP एड्रेस 64.233.167.99 है। तो जैसे ही हम अपने ब्राउज़र में किसी वेबसाइट का URL टाइप करते हैं, तब आप हमारा ब्राउज़र उस URL को DNS की मदद से उस डोमेन के IP एड्रेस में बदल देता है और उस वेबसाइट तक पहुंच जाता है जो हमने सर्च की थी। फ्रेंड्स, आप ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार और मैं दोहराती हूँ कि इंटरनेट पर हर वेबसाइट का एक IP एड्रेस होता है जो न्यूमेरिकल होता है, जैसे www.google.com का IP एड्रेस 64.233.167.99 है। तो ऐसे ही हम अपने ब्राउज़र में किसी वेबसाइट का URL टाइप करते हैं, तब हमारा ब्राउज़र उस URL को DNS की मदद से उस डोमेन के IP एड्रेस में बदल देता है और उस वेबसाइट तक पहुंच जाता है जो हमने सर्च की थी। शुरुआत में डायरेक्ट IP से ही किसी वेबसाइट को एक्सेस किया जाता था लेकिन यह एक बहुत कठिन तरीका था, क्योंकि इतने लंबे नंबर को तो कोई याद रख पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए बाद में DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम नाम बनाए गए, जिससे हम किसी वेबसाइट का नाम आसानी से याद रखा जा सकता है। टॉप लेवल डोमेन यानी TLD, ओरिजिनल TLD दिया गया है, टाइप ऑफ डोमेन दिया गया है, जिसे .com क्या है, ओरिजिनल TLD है। TLD मीन्स टॉप लेवल डोमेन। इसका टाइप ऑफ डोमेन क्या है, कमर्शियल। .net, गेटवे और होस्ट, .org यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, .edu यानी एजुकेशनल एंड रिसर्च, .gov गवर्नमेंट, .mil मिलिट्री एजेंसी, .biz बिजनेस, .store यानि गुड्स फॉर सेल, .aero यानि एयर ट्रांसपोर्ट कंपनी, .arts यानि कल्चर एंड एंटरटेनमेंट, .rec यानि रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट, .info यानि इंफॉर्मेशन सर्विस, .nem यानि इंडिविजुअल और फैमिलीज। इंटरनेट के जरूरी डिवाइसें हैं। इंटरनेट पर सर्च करने के लिए काफ़ी उपकरणों की ज़रूरत होती है। मॉडेम, पारंपरिक तरीके से इंटरनेट की सुविधा को प्राप्त करने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है। यह टेलीफोन लाइन से आने वाले एनालॉग सिग्नल को मॉड्यूलेट करके डिजिटल सिग्नल में बदलता है और कंप्यूटर से आने वाले सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करके एनालॉग सिग्नल में बदलकर उसे वापस भेज पाए, और इसी प्रणाली को आसान शब्दों में मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। ISDN लाइंस, ISDN लाइंस या इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क एक इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है जो आवाज़ के संचार के लिए वीडियो एवं डाटा को भी डिजिटल लाइनों के द्वारा 64 किलोबिट्स प्रति सेकंड की दर से संप्रेषित करती है। टेलीफोन कंपनियां आमतौर पर 64 kbps चैनल की दो तरफा आवाज़ या बातचीत के लिए उपलब्ध करती हैं। मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा उपकरण है जो बड़ी संख्या में कम गति की संचरण लाइनों यानी कि लो स्पीड ट्रांसमिशन लाइन्स को उच्च गति लाइनों यानी हाई स्पीड ट्रांसमिशन लाइन से जोड़ता है।
इस प्रकार मल्टीप्लेक्सर एक एकल संचार लाइन यानी सिंगल कम्युनिकेशन लाइन टर्मिनलों के बीच विभाजित कर सकता है। मल्टीप्लेक्सर प्रत्येक डिवाइस को सीपीयू पर एक लाइन में डेटा एकत्र करने और संचारित करने के लिए स्कैन कर सकता है। हब हब एक हार्डवेयर डिवाइस है जो LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क में एक सामान्य वायरिंग यानी कि पॉइंट प्रदान करता है। नेटवर्क में उपलब्ध प्रत्येक नोड को ट्विस्टेड पेयर केबल वायर्स की सहायता से हब से जोड़ा जाता है। हब क्या है? हब एक हार्डवेयर डिवाइस है जो LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क में एक सामान्य वायरिंग पॉइंट प्रदान करता है। नेटवर्क में उपलब्ध प्रत्येक नोड को ट्विस्टेड पेयर केबल वायर्स की सहायता से हब से जोड़ा जाता है। स्विचेस यह हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जो किसी नेटवर्क पर संदेश भेजने के लिए उपयोग किए जाते हैं। स्विचेस एक नेटवर्क पर दो नोड्स के बीच लिंक को इंगित करने के लिए अस्थायी बिंदु बनाते हैं और उस लिंक के साथ डाटा भेजता है। रिपीटर जब डेटा को कई केबलों के माध्यम से प्रेषित किया जाता है तो सिग्नल खराब हो जाता है। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए रिपीटर्स का उपयोग किया जाता है। पुनरावर्तक यानी रिपीटर्स केबल के अगले भाग से गुजरने से पहले सिग्नल को बढ़ाया जाता है। ब्रिज का मुख्य कार्य दो LAN के बीच से डेटा प्राप्त करना और पास करना है, तो सामान्य प्रोटोकॉल और टोपोलॉजी का उपयोग करते हैं। इस डेटा को सफलतापूर्वक प्रसारित यानी ट्रांसमिट करने के लिए ब्रिज सिग्नल को बढ़ाता है। इस प्रकार एक ब्रिज एक पुनरावर्तक के साथ एक कड़ी यानी लिंक का काम करता है। गेटवे ब्रिज के समान है क्योंकि इनका उपयोग एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर डेटा स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है, लेकिन गेटवे का उपयोग उन दो नेटवर्क के बीच डेटा को स्थानांतरित करने के लिए भी किया जाता है जो कि असामान्य प्रोटोकॉल और टर्मिनलों का उपयोग करते हैं। अब हम समझेंगे राउटर को। नेटवर्क में कई नोड्स के बीच डेटा को रूट करने के लिए राउटर का उपयोग किया जाता है। राउटर कंप्यूटर ब्रिजों यानी ब्रिजेस के समान है, लेकिन उपयोगकर्ता को नेटवर्क प्रबंधन नेटवर्क मैनेजमेंट उपयोगिताओं को भी प्रदान कर सकते हैं। यह नेटवर्क ट्रैफिक को प्रबंधित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। उनका काम यह सुनिश्चित करना होता है कि डेटा उचित गंतव्य पर पहुँचे। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी है जो इंटरनेट तक पहुंच उपलब्ध कराती है, जैसे VSNL, जियो, MTNL, टिकोना एंड नेक्स्ट्रा, एयरटेल इत्यादि। भारत में इंटरनेट 80 के दशक में आया जब एरनेट यानी एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क को सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और संयुक्त राष्ट्र उन्नति कार्यक्रम UNDP की ओर से प्रोत्साहन मिला। सामान्य उपयोग के लिए जाल 15 अगस्त 1995 से उपलब्ध हुआ जब विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी VSNL ने गेटवे सर्विस शुरू की। सामान्य उपयोग के लिए इंटरनेट कब से आया? 15 अगस्त 1995 से इंटरनेट की शुरुआत हुई जब विदेश संचार निगम यानी VSNL ने गेटवे सर्विस शुरू की। इंटरनेट की सेवाएं, इसकी सेवाओं में कुछ का जिक्र यहाँ किया जा रहा है। किसका? इंटरनेट की सेवाओं का, जैसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी FTP। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग एक कंप्यूटर नेटवर्क से किसी दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क में फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। एक ईमेल आईडी में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, इनसे मिलकर एक ईमेल आईडी बनती है और दूसरा भाग डोमेन नेम कहलाता है। यूज़र नेम
यूज़र नेम ईमेल आईडी का @ से पहले वाला भाग होता है। इसका इस्तेमाल ईमेल अकाउंट में लॉगिन करने के लिए किया जाता है तथा यह उस व्यक्ति की पहचान होती है जिसे ईमेल भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। इसे हम अपनी सहूलियत के अनुसार चुनते हैं, जैसे कि कोई भी वेबसाइट है तो उसके बाद उसका नाम लिखकर @gmail.com ईमेल एड्रेस में @ वाला भाग जो होता है वो डोमेन नेम होता है। यह उस सर्वर यानी कंप्यूटर का नाम होता है जहाँ से इंटरनेट के द्वारा हमारी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। @ का चिन्ह, इसे AT बोला जाता है, इसे ईमेल एड्रेस में यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके द्वारा यूजर अपने या अपनी संस्था आदि से संबंधित सूचनाएं दुनिया में कभी भी भेज सकता है और अन्य यूजर उससे संबंधित जानकारियां भी प्राप्त कर सकता है। टेलनेट, डाटा के हस्तांतरण के लिए टेलनेट का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा यूजर को रिमोट कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, इसके बाद यूजर अपने डाटा को हस्तांतरण कर सकता है। टेलनेट पर कार्य करने के लिए यूजर नेम व पासवर्ड की जरूरत होती है। यूजनेट, अनेक प्रकार की सूचनाओं को एकत्र करने के लिए इंटरनेट के नेटवर्क यूजनेट का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से कोई भी यूजर विभिन्न समूहों से अपने लिए जरूरी सूचनाएं एकत्र कर सकता है। वेरोनिका, वेरोनिका प्रोटोकॉल गोफर के माध्यम से काम करता है। यूजर गोफर व वेरोनिका का प्रयोग एक साथ करके किसी भी डेटा बेस पर आसानी से पहुंच सकता है। इनके प्रयोग से जरूरी सूचनाएं तेजी से प्राप्त की जा सकती है। RG फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी FTP में स्टोर फाइलों को खोजने के लिए RG का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट से संबंधित शब्दावली कुछ इस प्रकार है जिन्हें प्रोटोकॉल। यह एक ऐसी मानक औपचारिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क में अंकित संचार किया जाता है। ब्राउज़र, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से यूजर सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इंटरनेट में प्रवेश करता है। प्रोटोकॉल क्या होता है? यह एक ऐसी मानक औपचारिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क में अंकी संचार किया जाता है। ब्राउज़र, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से यूजर सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इंटरनेट में प्रवेश करता है। वेब सर्वर, यह प्रोग्राम वेब ब्राउज़र के द्वारा संसाधनों को प्राप्त करने के लिए यूज़र द्वारा दिए गए अनुरोध को पूरा करता है। ऑनलाइन, जब यूज़र इंटरनेट पर जानकारियों व सेवाओं का अध्ययन करता है तब कहा जाता है कि यूज़र ऑनलाइन है। होम पेज, या किसी भी साइट का शुरुआती प्रदर्शित पेज है जिसमें सूचनाएं हाइपरलिंक द्वारा जोड़ी जाती है। ऑफलाइन, इसमें यूज़र इंटरनेट में मौजूद सूचनाओं को अपने सिस्टम में संग्रहित कर इंटरनेट संपर्क काट देता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML, इसका प्रयोग वेब पेज बनाने में किया जाता है। शुरुआत में इसका प्रयोग वेब डिज़ाइन करने में किया जाता था। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी HTTP, इसका प्रयोग HTML में संग्रहित दस्तावेजों व दूसरे वेब संसाधनों को स्थानांतरित करने में किया जाता है। TCP/IP यानी कि ट्रांसफ़र TCP/IP ट्रांसफर सिस्टम प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका प्रयोग सूचनाओं के आदान प्रदान में किया जाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL, इसका प्रयोग वेब पर किसी विशेष सूचना को संचालित करने के किया जाता है। वेब पेज, होम पेज पर बने हाइपरलिंक पर क्लिक करने पर जो पेज हमारे सामने प्रस्तुत होता है उसे वेब पेज कहते हैं। वेबसाइट, वेब पेजों के समूह को वेबसाइट कहते हैं जिसमें ऑडियो वीडियो इमेजेस का समावेश होता है। हाइपरलिंक, वेब पेज में मौजूद वे विशेष शब्द या चित्र जिस पर क्लिक करने पर उस शब्द का या चित्र से संबंधित एक अलग वेब पेज पर आ जाती है, इसे वेब पेज को हाइपरलिंक कहते हैं। डाउनलोड,
इंटरनेट या किसी अन्य कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाओं को अपने कंप्यूटर में एकत्रित करना डाउनलोड कहलाता है। अपलोड, अपने कंप्यूटर से किसी अन्य कंप्यूटर में सूचनाएं भेजना अपलोड कहलाता है, जैसे ईमेल भेजना। सर्वर, वह कंप्यूटर जो इंटरनेट प्रयोग करने वाले सिस्टम को सूचनाएं प्रदान करने की क्षमताएं रखता है, सर्वर कहलाता है। सर्फिंग, इंटरनेट के नेटवर्कों में अहम सूचनाओं को खोजने का काम सर्फिंग कहलाता है। सर्च इंजन, सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट के असीमित डेटाबेस में यूज़र के सवाल को खोजता है, जिसको कीवर्ड यानी फ्रेस बोला जाता है और इसके संबंधी को सर्च रिजल्ट पेज में दिखाता है। प्रमुख सर्च इंजन इस प्रकार हैं, जैसे गूगल, पिंग, याहू, ask.com, aol.com, बायडू यानी वॉलफ्रेम अल्फा, डग डग गो, इंटरनेट अचीव, yandex.ru, एग्जीक्यूट, वेब क्राउलर, लाइकोस, इन्फोसिक एंड अल्टाविस्टा, इंकटॉमी एंड डॉक पिले, wiki.com, सीसी सर्च, गिब्रू, सर्च इनक्रिप्ट, स्टार्ट पैच, शुस्कॉस एंड बॉर्ड्रेट्स, इकोशिया, एक्सलीड। एक्साइट एंड गीगा ब्लास्ट, हॉटबॉल, लाइकॉस, मॉजिक एंड ओवेंक, ओवेंट, सेरेक्स, सॉन्गू, सोसो, येंडेक्स, यिपी, योडो एंड नेटस्केप एंड ग्रूवल, टॉर सर्च, अहिमिया। वेब ब्राउज़र की बात करें तो ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो वेब पर मौजूद संसाधनों को यूज़र को उपलब्ध करवाते हैं। इंटरनेट या www पर टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस, PDF और भी अन्य फॉर्मेट्स में सूचना उपलब्ध हो सकती है। एक वेब ब्राउज़र हम यूज़र्स को इन सभी फॉर्मेट्स में संसाधनों को उपलब्ध करवाने का काम करता है। ब्राउज़र के उदाहरण है गूगल क्रोम। यह एक मुफ्त का वेब ब्राउज़र है जो कि गूगल के द्वारा बनाया गया है। यह सितंबर 2008 में निकाला गया था। मोजिला फायरफॉक्स, यह एक मुफ्त का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि मोजिला फाउंडेशन द्वारा बनाया गया है। इसे हम विंडोज़, मैक, लिंक्स आदि ऑपरेटिंग सिस्टमों में चला सकते हैं। सफारी, सफारी एक वेब ब्राउज़र है जो कि एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया है। यह 2003 में निकाला गया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर, यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया था। यह 1994 में निकाला गया था। कुछ अन्य ब्राउज़र भी हैं जैसे ओपेरा, कॉन्क्यूरोर, लाइनेक्स, यूजी ब्राउज़र, माइक्रोसॉफ्ट एज, स्लिम जेट ब्राउज़र एंड मैक्सथॉन एंड स्लिम ब्राउज़र, नेटस्केप्स ब्राउज़र, प्लेमून एंड विवाल्डी एंड अवास्ट, स्कॉर्स ब्राउज़र, टोर ब्राउज़र, ब्राउज़र्स, सी मंकी, जीएनओ, आइसकेट एंड येंडेक्स ब्राउज़र एंड डुबेल, वीडियो मेल। मध्य प्रदेश के विभिन्न तथ्य में हम देखेंगे। वीडियो मेल एक ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा हम ग्राफिक्स, वीडियो मैसेज, वीडियो क्लिप्स आदि भेज सकते हैं। चैटिंग, चैट का अर्थ सामान्यतः बातचीत करना होता है। हम जैसे आमतौर पर आमने सामने खड़े रहकर या टेलीफोन पर बात करते हैं, उसी प्रकार इंटरनेट पर चैटिंग की परिकल्पना है। टेक्स्ट चैटिंग की बात करें तो टेक्स्ट चैटिंग में हम संदेश की बोर्ड के माध्यम से प्रेषित कर दें तथा दूसरी ओर बैठा व्यक्ति हमारे प्रेषित संदेश को पढ़ता है तथा तुरंत उसका जवाब देता है। चैट एक साथ एक या एक के साथ कई लोगों के संबंध पर आधारित होता है, अर्थात आप एक साथ कई लोगों के साथ चैट कर सकते हैं। चैट पूरी तरह से इंटरैक्टिव है तथा तत्काल संदेश रिस्पॉन्स प्रेषित किया जाता है या प्राप्त होता है, अतः दोनों ओर के व्यक्ति को ऑनलाइन होना आवश्यक है। वीडियो चैटिंग की बात करें तो वॉइस चैटिंग के जरिए आप दूसरी ओर से किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। इसके लिए एक माइक्रोफोन, एक स्पीकर, वेबकैम तथा इसके लिए प्रयोग होने वाला विशेष प्रोग्राम जैसे कि स्काइप होना चाहिए।
वीडियो कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इसके माध्यम से दो या दो से अधिक संस्थानों से एक साथ ऑडियो वीडियो माध्यम से कई लोग जुड़ सकते हैं। इसका प्रयोग खासकर किसी बैठक या सम्मेलन के लिए तब किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वीडियो कैमरा या वेबकैम, कंप्यूटर मॉनिटर, टेलीविज़न या प्रोजेक्टर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर और इंटरनेट की आवश्यकता होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अब आधुनिक मोबाइल फ़ोन पर भी उपलब्ध है। हैकिंग की बात करें तो हैकिंग का मतलब होता है कंप्यूटर सिस्टम में से कमजोरी को ढूंढ निकालना और फिर उसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर उस कंप्यूटर को अपने नियंत्रण में लाना। हैकिंग करने वाला हैकर कहलाता है। हैकिंग अक्सर तब तक लीगल होता है जब तक कोई हैकर उसे किसी कंप्यूटर सिस्टम की कमजोरी को जांचने के लिए उसे हैक करता है। इस प्रकार के हैकिंग को एथिकल हैकिंग कहा जाता है। हैकर के प्रकार हैं। हैकर तीन प्रकार के होते हैं। पहला है ब्लैक हैट हैकर या क्रैकर। ब्लैक हैट हैकर वह होते हैं जो किसी इजाज़त के बगैर इंटरनेट सुरक्षा को तोड़कर किसी व्यक्ति की कंप्यूटर, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर को हैक करते हैं। इनका मकसद गलत होता है और यह गलत कामों के लिए हैकिंग करते हैं। दूसरा है एथिकल हैकर या वाइट हैट हैकर। वह हैकर होते हैं जो व्यक्ति से इजाज़त लेकर हैकिंग करते हैं या फिर किसी मदद के लिए पूरी कानूनी तरीके से काम करते हैं। इनको एथिकल हैकर्स भी कहा जाता है। तीसरे हैं ग्रे हैट हैकर। यह एक हैकर होते हैं जिनका मकसद गलत तो नहीं होता लेकिन यह प्रयोग या एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसी की चीज़ों को हैक करते हैं। हैकर के अन्य प्रकार हैं स्क्रिप्ट किडीज। ये वह हैकर होते हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है लेकिन ये दूसरों के बनाए टूल्स का यूज़ करते हुए हैकिंग करते हैं। हैक ट्विस्ट, यह वह हैकर होते हैं जो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आदि संदेश भेजने के लिए हैकिंग का उपयोग करता है। यह आमतौर पर वेबसाइटों को हाइजैक करने और अपहंद वेबसाइट पर संदेश छोड़ने के द्वारा किया जाता है। फ्रेकर यानी यह वह हैकर होते हैं जो कंप्यूटर के बजाय टेलीफोन में कमजोरियों की पहचान करता है और उनका शोषण करते हैं। रेड हैट हैकर, रेड हैट हैकर उन्हें कहा जाता है जो कि दोनों ब्लैक हैट और वाइट हैट हैकर्स का मिश्रण होते हैं। वो मुख्य रूप से गवर्नमेंट एजेंसीज, टॉप स्क्रिप्ट इंफॉर्मेशन हब्स और उन सभी चीज़ों को जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से ताल्लुक़ रखती है उन्हें ये हैक करने के लिए टारगेट करते हैं। ब्लू हैट हैकर, ब्लू हैट हैकर्स उन्हें कहा जाता है जो कि अक्सर फ्रीलांसर होता है और किसी कंपनीज के लिए काम नहीं करते लेकिन उन्हें नेटवर्क सिक्योरिटी एप्स सॉफ्टवेयर के विषय में पूरी जानकारी होती है। हैकिंग की शब्दावली की बात करें तो एडवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे कि ऐसा डिज़ाइन किया गया है जिससे कि ये प्री चोसन एड्स को स्क्रीन से वे डिस्प्ले करने के लिए बाध्य करता है। अटैक की बात करें तो यह एक एक्शन है जिसे कि सिस्टम में किया जाता है उसे एक्सेस करने के लिए और सेंसिटिव डाटा एक्सेक्ट करने के लिए। बैकडोर, ये बैकडोर या ट्रैपडोर या हिडन एंट्री होता है किसी कंप्यूटिंग डिवाइस या सॉफ्टवेयर में जो कि सभी सिक्योरिटी मेजर्स जैसे कि लॉगिन्स और पासवर्ड प्रोटेक्शंस को बाईपास करने में मदद करता है। एक बोट ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि किसी एक्शन को ऑटोमेट करने में मदद करता है। उस काम को रिपीटली हायर रेट और बिना एरर के किया जा सकता है जो कि किसी ह्यूमन ऑपरेटर के द्वारा करना संभव भी नहीं है, वो भी बहुत समय तक। उदाहरण के लिए जैसे HTTP और FTP या टेलनेट को सेंड करना हायर रेट में और कॉलिंग स्क्रिप्ट में जिससे कि ये हायर रेट में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। बोटनेट को जोमेवल आर्मी भी कहा जाता है। यह एक कंप्यूटर्स के ग्रुप को कहा जाता है जिसे कि ऑनर के नॉलेज में किया जाता है। बोटनेट्स का इस्तेमाल स्पैम सेंड करने के लिए या डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्स करने के लिए किया जाता है। ब्रॉट फोर्स अटैक, यह एक ब्रॉट फोर्स अटैक ऑटोमेटेड होता है और ये किसी सिस्टम या वेबसाइट पर एक्सेस गेन करने का सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है। ये यूज़र नेम्स और पासवर्ड्स के
डिफरेंट कॉम्बिनेशन को तब तक बार बार ट्राई करता रहता है जब तक कि इसे सही कॉम्बिनेशन ना मिल जाए। बफर ओवरफ्लो, बफर ओवरफ्लो एक प्रकार का फ्लो होता है जो कि तब होता है जब ज़्यादा डाटा को किसी ब्लॉक ऑफ मेमोरी या बफर में लिखा जाता है। इसमें बफर को एलोकेटेड स्पेस से ज़्यादा होल्ड करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया जाता है। क्लोन फिशिंग एक प्रकार का मॉडिफिकेशन है एक्सिस्टिंग एंड लिगिटिमेट ईमेल को किसी फेल्स लिंक के साथ, जिसमें कि रेसिपिएंट को ट्रिक किया जाता है जिससे वो अपनी सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रदान कर दे। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक यानी DOS, ये डेनियल ऑफ सर्विस यानी DOS अटैक उसे कहा जाता है जब कि कोई मैलिशियस अटेम्प्ट के द्वारा सर्वर या कोई नेटवर्क रिसोर्स को कुछ समय के लिए अवेलेबल किया जाता है, जो कि पहले यूज़र्स के लिए अनअवेलेबल होता है। यूजली इसमें उस सर्विस को जो कि होस्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं को टेम्प्रेरी इंटरप्ट या सस्पेंड किया जाता है। DDoS ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक होता है। फायरवॉल एक प्रकार का फिल्टर होता है जिसे कि डिज़ाइन किया जाता है अनवांटेड इंट्रूडर्स को आपके कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क से दूर रखता है, जिससे ये सेफ कम्युनिकेशन प्रदान करता है सिस्टम्स और यूजर्स के बीच किस फायरवॉल के भीतर। की स्ट्रोक लॉगिंग एक प्रोसेस है कीज को ट्रैक करने के लिए जो कि प्रेस किए गए होते हैं या किसी कंप्यूटर में और जिस किसी टच स्क्रीन पॉइंट्स का इस्तेमाल किया गया होता है। यह सिंपली कंप्यूटर ह्यूमन इंटरफेस का एक मैप होता है। इन्हें ग्रे और ब्लैक हैट हैकर्स के द्वारा लॉगिन यानी IDs और पासवर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। की लॉगर्स को अक्सर सीक्रेटली किसी डिवाइस में इंस्टॉल किया गया होता है किसी ट्रोजन का इस्तेमाल कर फिशिंग ईमेल में। लॉगिक बम्प यह एक वायरस होता है जिसे कि सीक्रेटली सिस्टम्स के भीतर डाला जाता है और ये तब ट्रिगर होता है कुछ क्रिएशन कंडीशन मेट करते हैं। ये सबसे कॉमन वर्जन का टाइम बम्प है। मालवेयर एक अम्ब्रेला टर्म है जिसका इस्तेमाल बहुत से प्रकार होस्टाइल या इंस्ट्रूसिव सॉफ्टवेयर जिसमें कंप्यूटर वायरस वर्म्स ट्रोजन हॉर्सेट ट्रांसफॉर्मवेयर स्पाईवेयर एडवेयर स्काईवेयर और दूसरे मैलिशियस प्रोग्राम्स को रेफर के लिए किया जाता है। मास्टर प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम होता है जिसे कि ब्लैक हैट हैकर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है जिससे वो रिमोटली कमांड ट्रांसमिट कर इन्फेक्ट्स ज़ोंबी ड्रोन्स को एक्टिव कर देते हैं। इसके साथ डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्स या स्पैम अटैक्स को करने के लिए भी किया जाता है। फिशिंग एक प्रकार का ईमेल फ्रॉड मेथड है जिसमें कि सेंडर ऐसे ईमेल भेजते हैं जो कि एकदम से लेगिटमेंट लुकिंग ईमेल्स की तरह दिखते हैं, जिसका मुख्य लक्ष्य उनके पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गेदर करना होता है रेसिपेंट्स से। एंड फ्रेकर्स को अक्सर ओरिजिनल कंप्यूटर हैकर्स माना जाता है क्योंकि वो किसी टेलीफोन नेटवर्क को इलेगली ब्रेक कर उसका इस्तेमाल फ्री लॉन्ग डिस्टेंस फोन सेल्स या किसी के कॉल्स को टॉप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रूट किट एक प्रकार का स्टेल्थी टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो कि टाइपिकली मैलिशियस होता है और उसे कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है जिससे ये काम सिक्योरिटली सॉफ्टवेयर्स के द्वारा डिटेक्ट ना हो और वो अपने काम कर सके। अश्रिंक वाप कोड अटैक ऐसा एक्ट होता है इसका इस्तेमाल अनपेस्ड और
पुअरली कॉन्फ़िगर्ड सॉफ्टवेयर के हॉल्स और एक्सपोलेट करने के लिए किया जाता है। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है कि जानबूझकर लोगों को बहकाना, जिससे वो अपने सारे डिटेल्स और आपको प्रदान कर सके कर दे, जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, यूजर नेम्स और पासवर्ड्स इत्यादि। स्पैम सिंपली एक अनसॉलिकेटेड ईमेल, जिसे कि जंक ईमेल भी कहा जाता है, और जो कि बहुत सारे रिसिपेंट्स को उनकी मर्जी के खिलाफ ही भेजा जाता है। स्पूफिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसका इस्तेमाल दूसरों के कंप्यूटर्स में अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर इंटरनल कंप्यूटर को मैसेजेस भेजती है जिसमें आईपी एड्रेस होते हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि वो मैसेज ट्रस्टेड होस्ट से आई है। स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि मुख्य रूप से किसी पर्सन या कंपनी के इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए किया गया होता है, लेकिन इसमें टारगेट को इस बारे में थोड़ी भी मनक नहीं होती है और वो ना चाहते हुए भी सभी इंफॉर्मेशन प्रदान कर देते हैं। SQL इंजेक्शन एक प्रकार का SQL कोड इंजेक्शन टेक्निक होती है, जिससे कि डाटा ड्राइवन एप्लीकेशंस को अटैक करने के लिए भी बनाया गया होता है। यहाँ पर मैलिशियस SQL स्टेटमेंट्स को एंट्री फील्ड में इंसर्ट किया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए। उदाहरण के लिए, डेटाबेस के कंटेंट्स को अटैकर्स के सामने डंप करना। थ्रीट क्या होता है? थ्रीट एक पॉसिबल डेंजर होता है जो कि कोई मौजूदा बग या वल्नरबिलिटी को एक्सप्लोइट कर सकते हैं, जिससे कोई भी कंप्यूटर और नेटवर्क सिस्टम को कंप्राइज किया जा सकता है। ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का मैलिशियस प्रोग्राम होता है जो कि एक वैलिड प्रोग्राम के तरह प्रतीत होता है, लेकिन डिसगस्टेड फ्रॉम में, जिससे कि इसे एक प्रोग्राम से डिस्टिंग्विश करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इसे खास तौर से डिज़ाइन किया गया है फाइल्स को डिस्टोरी करने के लिए, अल्टर इंफॉर्मेशन, स्टील पासवर्ड जैसे काम करने के लिए। वल्नरबिलिटी एक प्रकार का वीकनेस होता है जो कि हैकर्स को अलाउ करते हैं किसी कंप्यूटर या नेटवर्क सिस्टम के सिक्योरिटी के साथ कंप्रोमाइज कर सकता है। वर्म के प्रकार का सेल्फ रिप्लेटिंग वायरस होता है जो कि फाइल्स को अल्टर कर सकते हैं, लेकिन ये एक्टिव मेमोरी के भीतर प्रेजेंट होता है, खुद को डुप्लीकेट करता रहता है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यानी XSS एक प्रकार का कंप्यूटर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी होता है जो कि टाइपिकली वेब एप्लीकेशंस में पाए जाते हैं। XSS अटैकर्स को अनेबल करती है, जिससे वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को वेब पेजेस में इंजेक्ट करती है, जिसे कि बाद में यूजर्स के द्वारा व्यू किया जाता है। ज़ॉम्बिया ड्रोन को आप हाई जैकेट कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं, जिन्हें एनोनिम्यूजिकली माउजली एक सॉल्डर या ड्रोन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं मैलिशियस एक्टिविटी के लिए। उदाहरण के तौर पर डिस्ट्रीब्यूटिंग अनवांटेड स्पैम ईमेल्स। अब हम समझेंगे वायरस को। वायरस का पूरा नाम है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस कंप्यूटर में छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो ऑटो एग्जीक्यूट प्रोग्राम होते हैं, जो कंप्यूटर में प्रवेश करके कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को प्रभावित करते हैं, वायरस कहलाते हैं। वायरस एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के डेटा को क्षतिग्रस्त करता है। यह कंप्यूटर डाटा मिटाने या उसे खराब करने का कार्य करता है। वायरस जानबूझकर लिखा गया प्रोग्राम है। यह कंप्यूटर के बूट से अपने को जोड़ लेता है और कंप्यूटर जितनी बार बूट करता है वायरस उतना ही अधिक फैलता है। वायरस हार्ड डिस्क के
बूट सेक्टर में प्रवेश करके हार्ड डिस्क की गति को धीमा कर देता है, प्रोग्राम चलने में भी रोक सकता है। कई वायरस काफ़ी समय पश्चात भी डाटा और प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम से जुड़ा वायरस तब तक सक्रिय नहीं होता जब तक प्रोग्राम को चलाया ना जाए। वायरस जब सक्रिय होता है तो कंप्यूटर मेमोरी में अपने को जोड़ लेता है और फैलने लगता है। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड है जिसका उपयोग कंप्यूटर में समाहित सूचनाओं को समाप्त करने के लिए होता है। वायरस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी फ्रेड कोहेन ने अपने शोध पत्र में किया था। इसे कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी टेलीफोन लाइन से दुर्भावनावश प्रेषित किया जाता है। इस कोड से गलत सूचनाएं मिल सकती है, एकत्रित जानकारी नष्ट हो सकती है तथा यदि कोई कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़े होने के कारण यह वायरस कंप्यूटर संपूर्ण नेटवर्क को प्रभावित कर सकता है। ये महीनों सालों तक बिना पहचाने गए ही कंप्यूटर में पड़े रह सकते हैं और उसे क्षति पहुंचा सकता है। कुछ मुख्य कंप्यूटर वायरस है जैसे माइकल एंजेलो, डार्क एवेंजर, किलो, फिलिप मैकमग, स्कोर्स के स्केड, जेरूसलम, डेटा क्राइम, कोलंबस क्राइम, इंटरनेट वायरस, पैचकॉम, पैच एक्स कॉम, एक्स कॉम, मेरी जुआना, मेलिसा, अन्ना, कोर्निकोवा, माइडूम, पॉइजन, आईवी, सी ब्रेन, ब्लडी, चेंज, मुंगू एवं देसी। कुछ प्रसिद्ध वायरस जिन्होंने पिछले दिनों में कंप्यूटरों को बड़े पैमाने पर संक्रमित किया है, जैसे माइकल एंजेलो। अभी तक का सबसे अधिक कुख्यात वायरस माइकल एंजेलो का नाम ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि यह वायरस 6 मार्च जो माइकल एंजेलो की जन्मतिथि है इस दिन यह डाटा को समाप्त कर देता है, इसलिए इसे 6 मार्च का वायरस भी कहा जाता है। डिस्क वॉशर का वायरस का नाम इसके अंदर समाहित संदेश यानी डिस्क वॉशर विथ लव के कारण पड़ा, जिसका पता भारत में 1993 के आखिरी महीनों में लगाया गया। यह वायरस इतना खतरनाक था कि यह हार्ड डिस्क में उपलब्ध सभी डाटा को समाप्त कर देता था। सी ब्रेन। अमजद तथा बासित दो पाकिस्तानी भाइयों ने इस वायरस को जनवरी 1986 में विकसित किया था। इसका उद्देश्य लोगों को अवैध ढंग से सॉफ्टवेयर खरीदारी के लिए हतोत्साहित करना था। इसे दुनिया का संभवतः सबसे पहला वायरस माना गया। किसको? सी ब्रेन को। मैकमग। यह वायरस आपके मॉनिटर पर शांति संदेश देकर समाप्त हो जाता था। यह केवल एप्पल मैकिंटॉश कंप्यूटरों को ही संक्रमित करता था। रिचर्ड ब्रांडो को इस वायरस का जन्मदाता समझा जाता है। रिस्ट मैकमग पत्रिका के प्रकाशक थे तथा वायरस का नाम इस पत्रिका पर ही पड़ा। जेरूसलम। यह वायरस पहली बार हेवरेयू विश्वविद्यालय जेरूसलम में लगभग 1987 में पाया गया था, इसलिए इसका नाम जेरूसलम पड़ा। इसकी एक खास बात यह थी कि यह केवल शुक्रवार को ही सक्रिय होता था। कोलंबस वायरस को डेटा क्राइम तथा 13 अक्टूबर के नाम से भी जाना जाता है। इसका नामकरण 13 अक्टूबर इसलिए हुआ था कि यह पूरे विश्व के संक्रमित कंप्यूटरों पर 13 अक्टूबर 1989 को ही सक्रिय हुआ था। यह भी जेरूसलम की तरह ही यह क्रियान्वयन योग्य फाइलों को संक्रमित कर हार्ड डिस्क के डेटा को नष्ट करता था। भारत में पाया गया प्रथम कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन है जो मद्रास चेन्नई में 1988 में प्रकट हुआ था। रैसमवेयर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो आपकी इजाज़त के बगैर आपके कंप्यूटर में घुस जाता है। ये मई 2017 में सामने आया था। आपके कंप्यूटर में जितनी भी जानकारी होती है वो उस पर ताला लगा देता है और आपको कहता है कि आप बिटकॉइन पर $300 से $600 फिरौती की रकम जमा कीजिए तो मैं आपको ताले की चाबी दूंगा। अगर आपने वो फिरौती दे दिया तो वह आपको एक्सेस दे देते हैं और आप डाटा एक्सेस कर पाते हैं। अगर आपने फिरौती नहीं दिया तो सदैव के लिए वह डाटा आपके हाथों से चला जाता है। प्रमुख वायरस है कॉन्फिगर एंड मैब्रूट, लीप, स्ट्रॉम वॉर्म, माइडूम, बीस्ट, ट्रोजन हॉर्स, अन्ना, कॉर्निकोवा वॉर्म, मेलिसा, CIH, क्रीपर, द कॉन्सेप्ट वायरस, द मॉरिस वॉर्म, आई लव यू, कॉर्ड्रेट एंड ब्लास्टर वॉर्म एंड पॉइजनोल्वी एंड मैब्रूट,
स्ट्रेक्सनेट एंड क्रिप्टोलोकर, बैकऑफ, रैंसमवेयर, कोको, बैगल, निम्बा, Y2K, ABC, IDS, अलाबामा, एक क्लोनर, कॉडरेट, वेल्किया, सीजर एंड नेटस्काई, ब्रैन, क्लीज, एंटीवायरस। एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो उन सब सभी प्रोग्राम्स को निकाल देता है जो आपके कंप्यूटर के लिए नुकसान पहुंचाते हैं। एंटीवायरस कंप्यूटर के लिए सेफ गार्ड जैसे काम करता है, जो सिस्टम को मालवेयर जैसे वर्म्स, ट्रोजन, होर्स से बचाता है। प्रमुख एंटीवायरस है बाइट डिफेंडर, कैस का स्पार्की, अवास्ट, नॉर्थन सिक्योरिटी, एवीजे, अल्टीमेट, एमसीएफई, अवायरा, इजेट, एपसोर्स, वेबरूट, टेंड माइक्रो, जी डाटा, नॉर्मैन, पांडा, वायर रोबोट, पैरोट एंड टोटल डिफेंस एंड ट्रस्पोर्ट, लावासॉफ्ट, वाइपर, कमांडो, बुलगार्ड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, डिफेंडर। अब कंप्यूटर शब्दावली हमें इसमें भी शॉर्ट में दी गई है, वो भी हम समझ लेते हैं। इनके फुल फॉर्म दिए गए हैं, जैसे ALU हमने पढ़ा था। ALU क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALGOL अर्थमेटिक लैंग्वेज। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कार्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पस। सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कार्ड BCD यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल। BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CAM यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CAT यानी स्कैन कंप्यूटराइज्ड। एक्सियल टोमोग्राफी स्कैन। COBOL कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। CDOC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलेमेटिक्स। COMAL यानी COMAL एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DTS यानी डेस्कटॉप सिस्टम। DTP यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ई-कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। एंड NIF यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। फैक्स यानी फैक्समाइल ऑटोमेटेड एक्सरोक्स। फ्लॉप्स फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। फोर्टॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन HLL हाई लेवल लैंग्वेज। HTML हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। ISH यानी इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क। एंड LDU यानी लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। LISP यानी लिस्ट प्रोसेसिंग। एंड LLL लो लेवल लैंग्वेज। MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। एंड MIPS यानी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। MOPS यानी मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकेंड। मॉडेम यानी मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। एंड MPU यानी माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। OMR यानी ऑप्टिकल मार्कर रीडर। PCDOS यानी पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। PROM यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। RAM यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। Snowball यानी कि स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। UPS यानी इंटरप्टेबल पावर सप्लाई। VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VLS यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क। WWW वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। जॉन वॉन न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है। आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार सर्वप्रथम 1946 में हुआ। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है।
कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं, इस बात की जानकारी होना। 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा नवंबर 1984 में की गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में किया गया था। भारत में प्रथम कंप्यूटर HEC-2M वर्ष 1955 ISO कोलकाता में लगाया गया था। भारत का प्रथम कंप्यूटर का डाकघर नई दिल्ली का है। निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति नई दिल्ली में लागू की गई थी। भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु में स्थित है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र द हिंदू है। इंटरनेट का उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका इंडिया टुडे है। भारतीय जनता पार्टी भारत की पहली ऐसी पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया है। कंप्यूटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग एवं हाइब्रिड। वह कंप्यूटर जो गणितीय गणना करता है डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। एनालॉग एवं डिजिटल के संयुक्त स्वरूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। मध्यम आकार के कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर कहते हैं। सूक्ष्मतम आकार के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करने वाले बड़े कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहते हैं। एक सुपर कंप्यूटर में करीब 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है। इसकी गति को मेगाफ्लॉप में मापा जाता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे के फर्स्ट एस था जो 1979 में बनकर तैयार हुआ था। इसे अमेरिका के क्रे के रिसर्च कंपनी ने बनाया था। 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य कर सकने वाला डीप ब्लू कंप्यूटर एक सेकंड में शतरंज की 20,40,000 सोच सकता है। इसी सुपर कंप्यूटर ने विश्व चैंपियन गेरी कास्पारोव को पराजित किया था। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम एनायक है। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। कंप्यूटर्स की 5 पीढ़ियाँ विकसित की गई हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब प्रयुक्त होता है। आधुनिक कंप्यूटर में प्रायः सेमीकंडक्टर मेमोरी यानी स्मरण शक्ति का कार्य करती है। कंप्यूटर बोर्ड में कुल 8 संयोजक होते हैं। 1 KB KB 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 MB या मेगाबाइट 1024 KB अर्थात 1 MB होता है 1024 KB यानी किलोबाइट के बराबर होता है। 1 GB या गीगाबाइट 1024 MB के बराबर होता है। सूचना के आगमन एवं कार्यक्रम की खोज करने के लिए स्नोबॉल विशिष्ट भाषा का प्रयोग होता है। सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली प्रचालन प्रणाली विंडोज़ है। यूजनेट सभी विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ने की प्रणाली है। जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो उसे गेटवे कहते हैं। इंटेल का अधुनातन माइक्रो प्रोसेसर है। पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक टेड नेल्सन ने लिखा। कंप्यूटर पर लिखी पुस्तक सॉल ऑफ न्यू मशीन लेखक टेसी किडर को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। कंप्यूटर के प्रथम पत्रिका कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन है। प्रथम घरेलू कंप्यूटर कमोडोर VIC/20 है। वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय भाषा संस्कृत कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है। कंप्यूटर में प्रयोग की सूची की मेन्यू कहा जाता है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। रिकॉर्ड्स का संग्रह फाइल कहलाता है। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति गणना और सिद्धांत पर आधारित है। विश्व का प्रथम व्यवहारिक डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक था। फोर्ट्रॉन प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है। हिंदी कमांड स्वीकार करने वाला कंप्यूटर भाषा प्रदेश है। कोबोल उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा के समान है। कोबोल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। अनुवादक की असेंबली भाषा की मशीन कोड में बदलता है असेंबलर कहलाता है। अनुवाद प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा का निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है कंपाइलर कहलाता है।
बेसिक भाषा की फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि को सिखाने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। प्रोलोग, प्रोलोग पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास J.S. किल्बी ने किया। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहा जाता है। वर्ष 1988 में सीडेक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग की पुणे में स्थापना की गई। पुणे के सीडेक के वैज्ञानिकों ने 28 मार्च 1998 को प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने की क्षमता से युक्त कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण किया। इसके विकास का मुख्य श्रेय सीडेक के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर विजय पी भास्कर को जाता है। भारत में सर्वप्रथम नेशनल एयरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु ने फ्लो सॉल्वर नामक सुपर कंप्यूटर विकसित करने में सफलता पाई थी। कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को सबक्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। लेजर प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। IBM अमेरिका की एक कंप्यूटर कंपनी है। कंप्यूटर वायरस एक मानव निर्मित डिजिटल परजीवी है जो फाइल संक्रामक के नाम से जाना जाता है। Y2K के संकट अर्थात ईयर 2000 तारीखों से संबंधित कंप्यूटर समस्या थी। Y2K के संकट को मिलियन बग भी कहा गया। मॉडर्न कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का उपकरण है जो टेलीफोन लाइन पर काम करता है। इंटरनेट से जुड़ा वह संगणक जहां विशेष प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध हो साइट कहलाता है। पास या दूर के किसी संगणक या नेटवर्क से सूचनाएं मॉडेम की मदद से अपने संगणक में लाने की प्रक्रिया को डाउनलोड कहते हैं। पास या दूर के किसी संगणक को अपने संगणक से सूचनाएं भेजना अपलोड कहलाता है। किसी कंप्यूटर या उससे हार्ड डिस्क या किसी चलते हुए कार्यक्रम प्रोग्राम का अचानक खराब हो जाना या समाप्त हो जाना क्रैश कहलाता है। भारत में कंप्यूटर का विकास 1955 से आरंभ हुआ। कब? 1955 से। साइंस बेंगलुरु ने सिंप्यूटर नामक हथेली के आकार का टच स्क्रीन वाला बहुभाषी कंप्यूटर विकसित किया था। साइंस बेंगलुरु ने सिंप्यूटर नामक हथेली के आकार का टच स्क्रीन वाला बहुभाषी कंप्यूटर विकसित किया है। भारत में प्रथम कंप्यूटर मंडल कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के वेल्लनाड गांव को भारत का पहला पूर्ण रूपेण कंप्यूटरीकृत गांव घोषित किया गया है। पर्सनल कंप्यूटर, PC, होम कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डायरी या ब्रीफ केस कंप्यूटर आदि माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। माइक्रो कंप्यूटर में प्रचलित कुछ प्रचालन प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है। CPM यानी मैक OS, एप्पल, DOS, प्रोडोस, MS DOS, PC DOS, एक्सनेक्स, यूनिक्स, विंडोज, लिनक्स आदि। CPU की गति को क्लॉक स्पीड कहते हैं। कंप्यूटर प्रयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर को दिया गया निर्देश कमांड कहलाता है। दुनिया के विभिन्न स्थानों पर स्थापित टेलीफोन लाइनों अथवा उपग्रहों की सहायता से एक दूसरे के साथ जुड़े कंप्यूटर को नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट पद्धति में संपूर्ण सूचनाएं कंप्यूटर में भरी होती है। इन्हें तकनीकी भाषा में वेब सर्वर कहा जाता है। प्रत्येक कंप्यूटर में निहित जानकारी को होम पेज के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको यदि थोड़ा भी समझ में आया हो तो यही हमारी खुशकीमती है। आप अच्छे से समझिए वीडियो को, ध्यान से सुनिए, आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा। और इसमें बाद में मुझे लगा कि कुछ समझाने जैसा है नहीं, क्योंकि जो लिखा हुआ है वह इतना स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको सुनते से ही समझ आ जाएगा। तो आप वीडियो को दोबारा देखिए यदि नहीं समझ आया हो तो, और वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।